तो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, भीलवाड़ा की प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर मंजू वाघमार। गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची। कलेक्ट्रेट में भीलवाड़ा के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ उन्होंने की है बैठक। महावीर इंटरनेशनल की महिला उद्यमिता मेले का मंत्री ने निरीक्षण किया है। इस मौके पर सहयोगी नवीन जोशी ने उनसे खास बातचीत भी की है। महिला बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू वाघमार आज भीलवाड़ा आई, और भीलवाड़ा में सबसे बड़ी बात यह है महिला बाल विकास को लेकर कृष्ण के उन्होंने जहाँ पे अभी जो एक समीक्षा बैठक के अधिकारियों के साथ उन पर चर्चा की, और जो यहाँ पर एक महावीर इंटरनेशनल की तरफ से महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने को लेकर एक प्रयास किया जा रहा है, उसको एक फ्रंट देने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया गया। मैडम, कैसा महसूस किया आपने इस मेले में आके? सबसे पहले तो मैं महावीर इंटरनेशनल कनक की जो हमारी अध्यक्षा है और पूर्व अध्यक्षा और जो हमारी सभी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और उनको शुभकामनाएं दूंगी कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिस तरह से आप अभी जैसे मैंने मालूम किया था कि पिछले 7 सालों से ये रेगुलर जो है यहाँ पर इस तरह से एग्जीबिशन लग रही है और महिलाएं जिस तरह से अपना उत्साह दिखा रही है यहाँ पर, अभी जब मैंने यहाँ पर देखा तो निश्चित रूप से जो है महिलाओं के सशक्तिकरण की जो हम बात कर रहे हैं उसकी दिशा में इनका एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं इन संस्था को अपनी ओर से, महावीर इंटरनेशनल कनक को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आपका विभाग भी अपने स्तर पे कहीं ना कहीं ग्राम हाट बाजार जिस तरह से आयोजित करता है, इसमें कुछ नया आपको मिला देखने को? निश्चित रूप से हमारे विभाग द्वारा भी अमृता हाट वगैरह इस तरह से, और एसओजी की जो महिलाएं होती है हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो है उनको हम प्रमोट करने के लिए कि वो जो अपने प्रोडक्ट बनाती है उनके लिए हम मार्केट भी अवेलेबल करवाते हैं और किस तरह से जो है हम उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम इस तरह के समय समय पर जो है फेयर वगैरह आयोजित करवाते हैं, उसी की दिशा में जो है यहाँ की इंटरनेशनल कनक द्वारा भी उसी की दशा में एक प्रयास किया गया है। सराहनीय प्रयास है और हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एक सवाल है आपके विभाग से रिलेटेड, जिस तरह से महिला आंगनवाड़ी केंद्र हैं उससे अभी भी 200 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र निजी भवनों में चल रहे हैं, 193 इसके आसपास जो भवन है वो कहीं ना कहीं सामुदायिक भवन में या दूसरी जगह पे चल रहे हैं, कुछ सरकारी स्कूलों में चल रहे हैं, तो मैडम इनको अपने भवन मिलेंगे कब तक मिलेंगे इनको? अभी तक जैसे जैसे हम लोग इस पर देख रहे हैं कि कुछ हमारे सरकारी भवनों में भी चल रहे हैं, कुछ निजी क्षेत्र में भी चल रहे हैं, कुछ जो है सरकारी उसमें भी चल रहे हैं, तो उसमें जो है हम उनको मंथली हमने उसके लिए रेंट फिक्स कर रखा है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि चरणबद्ध तरीके से जो है हम उनको जो है अपने खुद के भवनों में शिफ्ट करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली मैडम, महिला बाल विकास और साथ साथ में बच्चे जो है वो बहुत से बच्चे अभी भी इस प्रदेश में 34% के आसपास जो बच्चे कुपोषण का शिकार, आंकड़ा नो डाउट आपकी सरकार आने के बाद में बदला है मैडम, जितनी उम्मीद थी उतना बदल पाया क्या? निश्चित रूप से जो है हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने हमारी बजट घोषणा में भी देखा होगा कि हम सप्ताह में 3 बार जो है बच्चों को मिल्क वगैरह हम प्रोवाइड करवाएंगे और ये इसमें जो है उनके न्यूट्रिशन में भी बढ़ोतरी करने का पूरा पूरा प्रयास किया। बीच में महिला बाल विकास मंत्री मंजू वर्मा जिनका कहना है कि किसी न किसी तरह से सरकार लगातार प्रयास करे महिला बाल विकास के साथ साथ में बच्चों को जो किस तरह से पोषण अच्छे से अच्छा मिल सके इसके लिए लगातार प्रयास जारी है और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नवीन जोशी कैमरा पर्सन अरुण के साथ एनडीटीवी भीलवाड़ा।